दोस्तों चलिए आपको दिखाते हैं नॉर्थ इंडिया में जो धान की खेती होती है। देखिए ये खेत है दूर दूर तक, आप देखते जाइए, फसल तैयार है, ये पीली हो चुकी है ऊपर से, तो ये कटने के लिए तैयार है, ठीक है। और ये दोनों तरफ आप मैसिव खेत देखिए, जहां तक नजर जाती है ऐसा लगता है कि क्षितिज से टच करते, क्षितिज को छूते ये खेत। और ये देखिए ये खेत खाली है, इसका मतलब है यहाँ फसल कट चुकी है और ये दूसरी खेती के लिए तैयार है। और अब हम बिल्कुल एक गांव को टच करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किसानों के नॉर्थ इंडिया में जो गांव है वो किस तरह के हैं, और ये गांव की तरफ सड़क जा रही है खेतों के बीच से। आसमान बिल्कुल साफ है, लोग आपको देखो खेती और मजदूर आपको दिख जाएंगे खेतों में काम करते, ये गांव है, ठीक है। एक बच्चा गांव में खड़ा हुआ है और मैं ये थोड़ा सा टर्न लूंगा, मेरे तरफ जो है ये खेत है और दूसरी तरफ ये गांव है। और ये देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ये ट्रैक्टर खड़ा हुआ है, ये भैंस बंधी हुई है और ये सामने आपको गांव दिख रहा है। और ये मजदूर खेत में काम कर रहा है, ये कुछ कटाई कर रहा है बाजरे की। आप देखें तो ये एक छोटा सा मंदिर है गांव का, और ये लोहट में पधारने का आपका स्वागत है, ये गांव है ये। बिल्कुल अब हम गांव के बीच से आपको ले जाएंगे। भारत जो है उसके गांवों में बसता है, गुड़गांव, बेंगलोर, कोलकाता, मुंबई की चकाचौंध से परे। आप देखिए कि गांव और भारत के किस तरह से है, वो किस तरह से गांव की जीवन शैली है। ये एक महिला है जो गुजर रही है, ये उपले अगर आपने देखा हो तो गोबर से जो उपले बनते हैं इस तरह से ये इनको ढकते हैं, और आज भी उपले ईंधन के रूप में यूज होते हैं। आप देखिए कितने सारे इन्होंने ये हट्स बना रखे हैं उपलों के लिए। ये ट्रैक्टर के पीछे जो लगता है खेती के लिए, ये देखिए ये आप किसानों के औजार ट्रैक्टर्स वगैरह देख सकते हैं। अब आप ये देखिए कि ये मैसिव सामने आपको खेत फिर नजर आएंगे। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है बट मुझे लगता है कि वर्थ वॉचिंग, ताकि जिसको भी गांव की एक जीवन शैली देखनी है तो ये एक भाई साहब हैं जो अपने इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। भैया यार ये बताओ कि मैं वीडियो बना रहा हूँ लोगों के लिए कि उन्होंने गांव नहीं देखे, ठीक है, तो ये भैंसों को कहाँ ले जा रहे हो आप? जोड़ में भाई। जोड़ में ले जा रहे हो, आप क्या करते हो? किम्मन भाई हो, इधर रखता हूं। अच्छा, तो ये जोड़ मतलब है कि ये भैंसों को ले जा रहा है, जोड़ बोलते हैं यहाँ पे गांव में जो तालाब होता है उसमें भैंसों को लेके जा रहा है ये। तो आइए चलिए देखते हैं, ये थोड़ा सा गांव का रोड है तो बहुत अच्छा विकास नहीं किया है जिसने भी किया है। अब देखिए ये गांव के लोग बैठे हुए हैं उधर, वो ताऊ जी हुक्का पी रहे हैं और ये लड़का अभी भी भैंसों को लिए जा रहा है। उधर एक महिला है वो अपने फोन पे लगी हुई है, अगर आप देख सकते हो तो। कहाँ है झोड़, कहाँ है? सामने सामने है। अच्छा ओके, तो ये गांव है। अब हम थोड़ा सा कट लेंगे, आई थिंक हम गांव से थोड़ा सा परली तरफ जा रहे हैं। और ये देखिए ये सामने जोड़ है, अगर आप देखें तो वो जिसमें धूप चिलमिला रही है वो जोड़ है, उसमें जाके भैंसे छोड़ दी जाएंगी, तो भैंसे नहाती हैं और इसमें पड़ी रहती हैं, तो दो तीन घंटे, तीन चार घंटे के लिए भैंसों को छोड़ दिया जाता है, उनका नेचुरल बाथ भी हो जाता है और गर्मी से उनको राहत भी मिलती है। ये
देखिए कुछ दो बच्चे, एक कुत्ता गांव का, ये हो गया हमारा गांव का, एक विलेज की लाइफ, एक गांव का दर्शन कि उत्तर भारत के जो गांव हैं, जो किसानों के गांव हैं बेसिकली, वो कैसे हैं।